आप सभी को मेरा नमस्कार है और आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 के पूछा हुआ क्वेश्चंस, जो कि बहुपद से पूछा गया क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल है तो वह अल्फा प्लस बीटा जो बीटा प्लस अल्फा, इस टाइप के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस पक्का बनता है। और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपको फोकस किया जाए। तो आइए मिलकर इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतना का जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। हमने पढ़ रखा था कि यदि यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कौमा बीटा हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कौमा बीटा हो और वो एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन है वो इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर जोर बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो। इन द केस में जब इसका इक्वेशन हम लेते हैं और इसके शून्यक को हमने कह दिया अल्फा और बीटा दो शून्यक है। याद रखिएगा, द्विघात में दो शून्यक, त्रिघात में तीन शून्यक, चतुर्घात में चार शून्यक होता और इसी तरह से एन टर्म तक जाता है। तो इसमें जो होता है सम ऑफ रूट, यानी अल्फा जोर बीटा जिसे कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, क्या कहा जाता है सम ऑफ रूट्स कहा जाता है, यानी शून्यकों का युगफल, शून्यकों का युगफल ये क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। शून्यकों का युगफल क्या होता है तो माइनस के बी बट्टा में ए होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी शून्यकों का क्या होता है गुणनफल, ये क्या होती है तो सी बट्टा ए होता है। क्या होता है सी बट्टा ए होता है। अगर मैं बात करूं बी किसको कहा जाता है तो बी होता है एक्स स्क्वायर के जो पीछे है, यानी एक्स स्क्वायर के जो कोफिशियंट है, सॉरी बी कहा जाता है एक्स के कोफिशियंट को और ए कहा जाता है किसके कोफिशियंट को तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को और सी कहा जाता है अचर पद को जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता है। तो आइए इन द केस इसमें अगर हम बात कर लें कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें अगर मैं बात करूं a किसको कहा जाएगा तो a कहा जाएगा उसको जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर के साथ गुणांक में है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो a बराबर हो गया 4। b किसको कहा जाएगा तो x का जो गुणांक है उसको b कहा जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस। और c किसको कहा जाएगा जिसमें एक्स वाई नहीं लगता, तो सी का मान एक हो जाएगा। शून्यकों का योगफल पूछेगा तो माइनस पहले से है बी, बी के जगह पर माइनस चार, माइनस चार और बट्टा में ए, ए के जगह पर प्लस चार, तो माइनस माइनस प्लस, चार से चार गया एक हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बातें करूं सी बट्टा ए का तो सी का वैल्यू एक है और ए का वैल्यू अपने पास चार है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा और ये सम ऑफ रूट हो जाएगा। तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि कैसे होता है, इन चीजों को देखिएगा। यदि अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस बी बट्टा ए और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस चार बट्टा चार दैट इज इक्वल टू एक, माइनस माइनस प्लस, चार से चार गया तो एक हो जाएगा। एंड द इन द केस अल्फा क्रॉस बीटा द प्रोडक्ट ऑफ रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट विल बिकम सी बट्टा ए एंड 1/4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इन चीजों का मान तो हमको निकल गया, अब आइएगा जो हमसे पूछ रहा है इन चीजों का मान हम निकालने का कोशिश करते हैं। क्या हमसे पूछ रहा है, देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बट्टे बीटा जोर बीटा बट्टे अल्फा, इसका वैल्यूज कितना होगा। आपसे पूछ रहा है अल्फा बट्टे बीटा जोर बीटा बट्टे अल्फा कितना होगा, तो आप देखिएगा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा, बीटा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अल्फा है, अल्फा से अल्फा में भाग दिए खत्म, बीटा बचा और बीटा को बीटा से गुना क्या कर दिए तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो याद नहीं, हमने आपको पढ़ाया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर जोर 2ab होता है। तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है रिजल्ट। तो इस पे कैसे करेंगे बात,
इन चीजों को देखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो अल्फा जोर बीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। अब यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा जोर बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा जोर बीटा कितना है एक है, तो एक का होल स्क्वायर माइनस दू, और अल्फा गुने बीटा कितना हो जाएगा एक बट्टे चार, अल्फा गुने बीटा कितना एक बट्टे का चार हो जाएगा। दू से दू काटेंगे यहां पे दू हो जाएगा, एक माइनस एक बट्टा दू और एक बट्टा चार, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा और एक बट्टा चार करेंगे तो एक बट्टा दू गुने चार बट्टा एक, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा दो। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कभी कुछ पूछ सकता है आपको, कभी कुछ पूछ सकता है। तो यहां से मैंने कोशिश की आपको समझाने का, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने लिखा अल्फा जोर बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू गुने अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे में अल्फा गुने बीटा। अल्फा जोर बीटा का मान कितना माइनस बी बटा ए, तो चार बटा चार कितना एक का स्क्वायर, माइनस दो गुने अल्फा बीटा सी बटा ए होता है यानी एक बटा का चार, दो से दो गया एक, एक माइनस एक बटा दो बटा एक बटे चार, एक बटा दो और एक बटे चार का मैंने कर दिया तो दो आ गया आपका रिजल्ट, और ये आपका राइट आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।